बड़ा सोच में पड़ल हती, करैला तोरे ना जबे कि चलू ना करैला तोरे। कथी करैला तोरे जाओ दीदी, खेती तो हमरा लेल मजाक बन गेल है, सब्जी तो हमर खराब हो गेल दीदी, की तोरी ई सब्जी, बहुत आशा लगा खेती कैले रहली रह, सब सब्जी खराब हो गेल। बैठू ना दीदी, तो जाए। हाँ दीदी बैठे छी। चंद्रमा दीदी, अहाँ खेती से ज्यादा परेशान हती ना? पिछले 2 साल से बैगन के खेती करैले दीदी, फायदे न बुझाइए, यही के लेकर परेशान हती। हाँ हमरा दीदी बुझा गेल कि अहाँ सही ढंग से न बीज उपचार करै छी आ न सही ढंग से नर्सरी बेड लगा कर खेती करै छी दीदी, चलते अहाँ के खेती अच्छा न होइए और उपज ज्यादा न होइए दीदी। ना ना दीदी, हम अब कोई नया ढंग से खेती न करम दीदी, ऐसा ही हम 2 साल से लॉस में जा रही है, फिर करूँ दीदी या फिर लॉस में जाए? हमर जो खेती है से अहाँ देखिए रहल छिए कैसे हम करै छी खेती या कितना अच्छा उपज होइए, न विश्वास है तो चल कर देख लो दीदी खेती, अभी भी हम जा रही है सब्जी तोरे। हाँ दीदी, एक बार हमर बात मान कर के अहाँ देखू, बीज उपचार करके और नर्सरी बेड लगा करके खेती करूँ तो बहुत अच्छा हो। ठीक है दीदी, कहै छी तो हम खेती करम ई ढंग से, कर जानकारी कहाँ से मिलत? तो ठीक है दीदी, तो जानकारी देवे के लेल VRP भैया के न साँच का अहाँ के यहाँ भेज दे। ठीक है दीदी, रहम हम घर ही शाम के भेज। तब जाइ छी दीदी, अब सब्जी तोरे हम जाइ छी। प्रणाम दीदी। देखो दीदी, VRP भैया के बुला के आन देली, हम कहले रही रह ना कि शाम में VRP भैया के बुला के आन दे। हाँ दीदी। भैया, हमारा बहन के खेती के बारे में बता दीदी। सबसे पहले बैगन के बीज के उपचार जरूरी है, एकरा बाद नर्सरी बेड लगतै आ तब ओकरा बैगन के विधि पूर्वक रोपल जतै। उपचार कैसे होते भैया, हम तो जनबे न करैले, बताओ न से कैसे उपचार होता है? दीदी, बैगन के बीज के उपचार के लेल बीज के अलावा और कुछ सामग्री के जरूरी पड़े छै। 10 ग्राम बीज, 10 ml बीजामृत, 1 सूती कपड़ा और 1 बर्तन। दीदी, अब बीज उपचार कह के बता दे रही है। सबसे पहले हम बीज के बीजामृत में रख रही है। भैया, बीजामृत कला मिला है? बीजामृत से फफूंद न लगता है और पौधा स्वच्छ होते, जर्मिनेशन ज्यादा होते है। अब एक सूती कपड़ा में छान ले भाई। दीदी, आधा घंटा के लिए एकरा बराई के लिए छोड़ दे छिए। की करबे भैया? एकरा बरा जतै आधा घंटा के बाद हम फिर नर्सरी बेड पर एकरा गिराएल जतै। हमर नाम है चंद्रमा देवी, सकरा ब्लॉक के मछही गांव के पार्वती समूह के सदस्य हती। सविता देवी, सकरा ब्लॉक के मछी पंचायत में कौशल भियो के सदस्य हती। हमर नाम भेल जगन्नाथ प्रसाद, सकरा ब्लॉक के मछी पंचायत में उजाला भियो में VRP के पद पर काम करै छी। ए हमर खेत है भैया, ए में नर्सरी बेड है लगावे के, केना केना लगतै से बतैयो। दीदी, ई बीज गिरावे के लेल 10 किलो वर्मी कंपोस्ट के जरूरी पड़ै छै आ 10 ग्राम बीज के जरूरत पड़े छै। ओमे 1 कोदारी के जरूरत पड़े छै, 1 खुरपी के जरूरी पड़े छै और 1 इंची टेप के जरूरत पड़े छै। बीज गिराबे के बाद एकरा पुआल या घास या केला के पत्ता के जरूरत पड़े छै, ओसे बेड के ढके के पड़तै जे ओकर नमी बरकरार रहतै।
दीदी एकरा धरू, हम नपै छी एकरा 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। 10 फीट पर अब चेन्हा लगाओ। हाँ भैया, लगा देली चेन्हा। अब 3 फीट पर चेन्हा लगा दो दीदी। लगा दे। सरी बेट के तो बताइए दे रही है, लेकिन उससे पहले जंगल चुन लियो एकरा सब साफ। पाँच किलो बर्मी है, एक अब हम छिटे। दीदी बर्मी तो छीट ले ली, अब यह पर से ऊपर से मट्टी एक पर छीटे के। भैया छीट दिया। फिर स्टार्ट। दीदी एक बेर तो बर्मी छीटले हती, अब माटी छीट दिली है, आप फिर पर बर्मी छीट रही है। ठीक है भैया, छीट दी। यो बर्मी 5 किलो है दीदी। एकरा बाद फिर एक पड़त मट्टी छीटे के ही, बर्मी छीटे के बाद। दीदी 2 परत तय पर हो गए बर्मी कंपोस्ट, तेसरा में मट्टी फिर छीट रही है। तरीका से तो कोई नर्सरी बेड बनावे के न बतवैत रहल भैया। हाँ दीदी, ऐसे ही नर्सरी बेड तैयारी होई छे। अब तेसरा परत पर मिट्टी डालबै और बीज गिरबै पर। हम खुरपी से बढ़िया से मिला दे रहे हैं। ई सब बिछा के एकरा ऊपर से मिला दे छी, एकरा बाद बिया गिरतै। अब तो सब में मिला दिलियै, अब ए पर बीज गिरतै एकरा चिकन करके। दीदी बेड अब बिल्कुल तैयार हो गेलै है। अब दीदी उपचारित बीज के बेड पर अब गिरा के हम देखा रहली है। हाँ भैया ठीक है। भैया एक बात हमरा समझ में ना आयल, इसमें बर्मी कला दिलियै है। बर्मी कंपोस्ट से मट्टी एकदम हल्का हो जाए छे या जोर के ओकरा विकास बहुत होई छे। यही के चलते हम 2 परत में बर्मी कंपोस्ट डाल ली है आ तेसर परत मट्टी पर डाल ली है, तब ए पर बीज गिरते। देख लो दीदी, ये बेड के ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा न होए के चाहिए। अब एकरा हम लाइन खींच रही है, यही में बीज गिराएल जतै 2 इंची चौड़ा और 1 इंची गड्ढा। हाँ दीदी अब बीज गिरा रही है, एमे बीज अब गिरा रही है। ऐसे ही बीज गिरब अपनू से। बीज तो अब गिरा दिली, एकरा हाथ से बैठा
देली है। अब एकरा बाद केरा के पत्ता ए पर झाप देवे के है। केला के पत्ता एला झपबै में जे में नमी बनल रहते। दीदी अब तो एकरा झाप दिलिए, अब तीन दिन के बाद हटा कर ए पर झरना से पानी देवे के है हल्का। भैया तीन दिन के बाद पत्ता हटा के झरना से पानी छिड़क दे। जानकारी दिलिए एक के लेल धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी धन्यवाद। भैया के बताल तरीका से गिर लाए, बहुत अच्छा पौधा हो रही है। हाँ दीदी ठीक कह रही, बहुत अच्छा पौधा है।